तो आ गए आप लोग। चलो ठीक है, आ ही गए हो तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं जिसके लिए आप लोग बहुत इंतजार कर रहे होगे, बहुत एक्साइटेड होगे, है ना। मेरा नाम अभिमन्यु श्रीवास्तव। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पिछली क्लास हमने बिल्कुल अच्छे बकायदे जबरदस्त पढ़ी है, एक एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से निचोड़ कर पढ़ा है। इसी तरीके से हम इस चैप्टर को बिल्कुल मजे मस्त से मस्ती के साथ खत्म करेंगे, हंसी मजाक के साथ, है ना। और क्या है तो देखो, और क्या करना है हमें इस चैप्टर को, हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से, ताकि पॉलिनोमियल्स में कभी भी कोई भी चैप्टर आ जाए ना, यूँ करो यूँ, कहीं कोई टेंशन नहीं होगी, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से बताऊंगा। इसलिए बिल्कुल मेरे साथ, जो पिछली क्लासेस को नहीं देखा है मत देखो, है ना, मैं कह रहा हूँ मत देखो, लेकिन अब से सीरियस हो जाओ, पर डे मेरी क्लास अपडेट होगी, अब से डेली मेरी क्लास देखना स्टार्ट कर दो। चलो आओ, बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स। लेट्स स्टार्ट। देखो चैप्टर टू है एनसीईआरटी बुक का पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या है, दो टर्म है, एक तो कांस्टेंट, एक वेरिएबल। मैं पहले वेरिएबल चैप्टर पे आने से पहले मैं इन दो चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर में ये टर्म आने वाले हैं, अंदर में मिलेंगे, हमें वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, बहुत यूज है इनका। तो इसलिए मैं यहाँ पर इन दो टर्म को पहले से, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन दो टर्म को बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, कांस्टेंट वैल्यू मतलब एक फिक्स वैल्यू। अगर किसी ने आपसे कुछ क्वेश्चन बोला तो आपने आंसर दिया हाँ बिल्कुल सही है, वो सेटिस्फाई हो गया। आपने आंसर दिया नो बिल्कुल सही है, वो सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन अगर वेरिएबल में आंसर देना है तो किसी ने आपसे पूछा कि आपने पुलकित को बुलाया था, तो आप क्या बोलोगे, हाँ नहीं नहीं हाँ पता नहीं हाँ उस दिन, तो मतलब क्या है, श्योरिटी नहीं दिख रही है, वेरिएबल हो रहा है आपका आंसर, वेरी कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। तो देखो कांस्टेंट में होता है सिर्फ और सिर्फ ऐसी वैल्यू जो कि फिक्स हो, चेंज ना हो। आंसर हाँ है, आंसर वन है, 5000 रुपये लिए थे, तो हाँ 5000 रुपये लिए थे, तो इस तरीके से वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन वेरिएबल में क्या होगा कि अगले ने कहा कि 5000 लिए थे, लेकिन हम कहेंगे नहीं यार 4500 लिए थे बस, तो चेंजेज आ गया, वेरिएबल्स 4500 5600 अप्रॉक्सीमेटली इतना लिया था। जब भी आप अप्रॉक्सीमेटली का यूज़ कर लो तो मतलब वो चीज़ वेरी कर रही है, आप पे कुछ कन्फर्म नहीं है। और थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। देखिए कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है, मैंने कहा ऐसी क्वांटिटी, ऐसी वैल्यू जो कि क्या हो, फिक्स हो। अब फिक्स में क्या हो सकता है, 1 2, है ना, ऐसे 0 -1, ई पाई ए बी एम एन, है ना, एन कुछ भी कर लो, सी कर लो तो भी टेंशन नहीं है। अच्छा समझ में आता है, चलो 1 2 0 -1 इस तरीके का जो ये हैं, इतने तो समझ में आ रहे हैं कि चलो यार ये तो फिक्स है। लेकिन इधर का क्या है, ये ए बी एम मतलब कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखा है, इसके पहले वाले चैप्टर हमने पढ़ रखा है ना, अगर कोई चीज़ ए हो तो उसकी वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, बी हो उसकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। इसका मतलब ये तो लग नहीं रहा है देखने से कि ये कॉन्स्टेंट है, लेकिन आओ मैं समझाता हूँ। इसी को समझाने के लिए ना, मैंने इसको समझाने के लिए इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट, दो चीज़ हैं इसमें, आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट। पहला क्या है, आर्बिट्ररी को हम बोलते हैं टेम्परेरी कांस्टेंट बोलते हैं इसे, और एब्सोल्यूट को बोलते हैं हम परमानेंट कांस्टेंट। अच्छा आओ मैं इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने इसे दो क्लासिफिकेशन किए हैं, दो टाइप में बांटा है इस कांस्टेंट क्वांटिटी को। पहला है आर्बिट्ररी जिसे हम बोलते हैं टेम्परेरी कांस्टेंट, दूसरा है एब्सोल्यूट जिसे हम बोलते हैं परमानेंट कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर, आओ देखते हैं क्या होता है ये परमानेंट, क्या होता है टेम्परेरी। देखो ये नाम तो समझने से समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ होगा, यहाँ से आप लोग इसे क्लासीफाई भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं और अच्छे डिटेल में बताऊंगा ताकि दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठ जाए, कभी निकले ही ना। देखो मैं कहूँगा एब्सोल्यूट, भले बिल्कुल राइट है एब्सोल्यूट, आपने इस काम को कर दिया है ना, तो यानी आप बिल्कुल फिक्सेबल बात कर रहे हो, जो भी बात कर रहे हो बिल्कुल फिक्स ही बात कर रहे हो, मतलब 1 2 3 0 1 2 ये सब क्या आएगा, वह ये सब है ना, 12 हो गया, 3 हो गया, है ना, माइनस हो गया, या माइनस कुछ भी होगा ना, तो ये क्या हो गया, हाँ बिल्कुल परमानेंट है ये बात। लेकिन जब मैं बात करूँगा आर्बिट्ररी में यानी टेम्परेरी कांस्टेंट में, तो इसमें क्या होगा, मान लो यही हमारा हो गया ए बी सी डी, मान लो ऐसा ही हो गया, तो ये क्या हो गया, टेम्परेरी कांस्टेंट हो गया। अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनकी वैल्यू जो होती है ना कुछ समय के लिए फिक्स होती है, यही चीज़ है यहाँ पर डिफरेंस, इनकी वैल्यू सिर्फ कुछ समय के लिए फिक्स होती है ना। तो देखो जैसे मैं कहूँ, मान लो मैं एक व्हीकल पे बैठा हूँ, इस व्हीकल को मुझे बढ़ाना है आगे, ठीक है, 2 घंटे का मैं समय लेता हूँ, मान लो 2 आवर्स, है ना, 2 घंटे का समय लेता हूँ इसे, मुझे व्हीकल को स्टार्ट करके 2 घंटे में मुझे डिस्टेंस कवर करना है। मैं कह रहा हूँ अगर मैं एक घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रहा हूँ, तो अगले 1 घंटे में बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, कितने टोटल ये हो जाएंगे, कितने घंटे, 100, वाह बिल्कुल सही आपने बोला, 100 किलोमीटर, बहुत तेज़ दिमाग हो गया है ना।
चलो ठीक है। हाँ तो कह रहा हूँ हॉर्स में मैं 100 किलोमीटर पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या नोटिस करना है कि मेरी जो वेलोसिटी थी यानी मेरी जो स्पीड्स थी वो कांस्टेंट थी, है ना, यानी एब्सोल्यूट थी, फिक्स थी। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रहा हूँ, तो अगले भी 1 घंटे में 50 किलोमीटर कर रहा हूँ, लेकिन टोटल टाइम कितना है? 2 आवर्स। ठीक है, एक केस ये रहा इसका। यहाँ पर हमारी क्या थी? स्पीड कॉन्स्टेंट थी। ऐसे ही कंडीशन यहाँ पर चलिए ले लिया जाए। इसमें क्या होता है, जो वैल्यू होती हैं वो फॉर सम टाइम, सिर्फ कुछ ही समय के लिए फिक्स होती हैं। मान लो यहाँ पर भी मुझे 2 ही घंटे दिए गए हैं, ठीक है, तो मैं 1 घंटे में मैं ऐसे चल रहा था यहाँ से 50 किलोमीटर पर आवर से, 50 किलोमीटर पर आवर। इस पर आवर का मतलब पता है? जैसे मैं कह दूँ 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब पता है? पर आवर का मतलब 1 घंटे में मैं 50 किलोमीटर चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसको देखो, तो अगर यहाँ पर क्या था, मेरा स्पीड, मैंने मुझे टाइम था कि 50 किलोमीटर पर आवर घंटे के हिसाब से मुझे चलना है। तो मुझे यहाँ से कोई एक्सटर्नल फोर्स, जब मैं चल रहा था ना, तो रास्ते में कोई एक्सटर्नल फोर्स आ गया, मेरे गाड़ी को धक्का दिया, तो मेरी स्पीड 50 से बढ़ करके 60 हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 हो गए। तो बताओ जरा मैं अगले 1 घंटे में कितना कवर करूंगा? इधर भी 60 कवर करूंगा, तो 60 60 टोटल कितना हो गया? 120। वाह वेरी गुड, कौन बोला 130? सही करो कैलकुलेशन, 120। ठीक है चलो, अब ये कितना हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 120। देखो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर तो हमारा टाइम उतना ही था, यहाँ पर भी टाइम 2 ही घंटे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो था मेरा स्पीड वो पहले भी घंटे में बिल्कुल 50 किलोमीटर थे, अगले भी आवर्स में बिल्कुल 50 किलोमीटर थे, यानी टोटल हमने कितना चला था? 100 किलोमीटर चला था। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, पहले घंटे में मैंने 60 कवर किया, अगले घंटे में भी 60। क्यों? लेकिन मेरी स्टार्टिंग क्या थी? 50 से थी, मुझे क्या कर दिया, पुश कर दिया गया, फोर्स कर दिया गया, तो मेरी स्पीड बढ़ करके 60 आ गई। टाइम उतना ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने 120 कवर कर लिया और यहाँ पर 100 कवर किया। कह रहा हूँ कि ये कुछ समय के लिए ही फिक्स रहता है, इसका मतलब 50 था, फोर्स पड़ा और बढ़ गया, तो मतलब ये कुछ समय के लिए तो एक तो फिक्स रहा, कांस्टेंट रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बढ़ गया। तो इस ऐसे तरीके को हम बोलते हैं क्या, टेम्परेरी कांस्टेंट, है ना, और इसे हम बोलते हैं परमानेंट कांस्टेंट। समझ में आई होगी बात बिल्कुल अच्छे तरीके से? ठीक है चलो, अब मैं इधर देखता हूँ टाइप ऑफ वेरिएबल्स क्वांटिटी। देखो इसमें क्या करना होता है? देखो मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने एक ये लिया y इक्वल टू 4x, मान लो ये मैंने लिया, ठीक है, इसी से मुझे दोनों को समझना है, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। बल इसमें देखो क्या होता है, मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू 4x मैं ले रहा हूँ, इसमें क्या करना होगा, मैं कह रहा हूँ x की जगह पे मैं 1 रख दूँ, x की जगह पे मैं 2 रख दूँ, x की जगह पे मैं 3 रख दूँ, कुछ भी तो रख सकता हूँ ना। जब मैं y इक्वल टू 4 × 1 करूँगा तो क्या आएगा? 4। जब y इक्वल टू 4 × 2 करूँगा क्या आएगा? 8। जब y इक्वल टू 4 × 3 करूँगा क्या आएगा? 12। देखो यहीं पर नोटिस करने वाली बात है, वो क्या है कि जब यहाँ पर जो है हमारा ये y क्या है, ये क्या है? डिपेंडेंट है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये क्या है? डिपेंडेंट है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये x पे डिपेंड कर रहा है। और x क्या है? इंडिपेंडेंट है ना, यही था। यहाँ पर x क्या है? इंडिपेंडेंट हो गया, और y क्या है? डिपेंडेंट। मतलब x की वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज करेंगे तो x की वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है कि y की वैल्यू, है ना। तभी तो देखो हर जगह y की वैल्यू कभी 4 है, y की वैल्यू कभी 8 है। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो रही है। जब x की वैल्यू चेंज होगी तो इसी पर डिपेंड है हमारा y, इसलिए y की वैल्यू भी चेंज होगी। ये था हमारा वेरिएबल्स क्वांटिटी, जो कि क्या होता था, हमारा वेरी करता रहता था। इतनी बात बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी, मुझे पता है आई होगी। चलो आओ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है आ जाओ। तो आइए अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है पॉलिनोमियल्स। ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल्स? वी ऑल्सो स्टडी अबाउट अ पॉलिनोमियल्स। इन दिस केस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। यू नो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इट्स जनरली अ एक्सप्रेशन, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एक्सप्रेशन। अगर मैं करूँ 4x + 5 क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। 6x + 3 क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। 3z + 1 क्या है? ये एक्सप्रेशन है। और यही हमारा क्या है? पॉलिनोमियल्स है। बात क्लियर? इतनी बात, ठीक है चलो। अब मैंने कहा था
कि ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, वो हमारा काम आएगा कहाँ पर, पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ने में। तो देखो शुरुआत में ही आ गया, मैं कह रहा हूँ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू थिंग्स, दैट इज ए, वन इज ए कॉन्स्टेंट एंड सेकेंड इज ए वेरिएबल। मतलब ये क्या है, दो चीज़ का क्या है, कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। इनमें से अगर कोई एक अकेला भी होगा ना तो भी वो पॉलिनोमियल्स होगा, इतनी बात ध्यान में रखना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमारा, मैंने एक्सप्रेशन देखा था, मान लो 4x + 8z + 1 है। देखो यहाँ पर ये क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, दोनों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये क्या है, ये दोनों हमारा क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। मतलब पॉलिनोमियल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू थिंग्स, दैट इज अ, फर्स्ट इज अ कांस्टेंट एंड सेकंड इज अ वेरिएबल्स, है ना, इतनी बातें क्लियर। चलो आओ मैं कुछ आगे का टर्म बताऊंगा। चलो इधर देखो, मैं कह रहा हूँ अगर मैं एक बॉक्स ले लूँ, मान लो एक स्क्वायर ले लिया, बॉक्स नहीं एक स्क्वायर लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे मैं तीन स्क्वायर लेता हूँ मानो, ठीक है, मानो एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया। चलो मैं कह रहा हूँ इसका डायमेंशंस अगर ये दिया है 4 4 4 4, ए बी सी डी, गाना गाओ ए बी सी डी, गाना गाओ ए बी सी डी, हो गया। मान लो ये 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 x x x x, इतनी बातें क्लियर। इधर देखो बिल्कुल मजे से पढ़ना है, मस्ती में पढ़ाऊंगा, सब कोई दिमाग में एकदम अच्छे से जाएगा। इधर देखो मैं कह रहा हूँ इसका पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर माने पता है क्या होता है, किसी भी चीज़ों के पैर पकड़ो और जोर डालो सब तरफ का, है ना, यही होता है पैरामीटर, पैरामीटर इक्वल टू पैर, इतना समझ रहो। पैर क्या है, यहाँ पर इस स्क्वायर का एक पैर ये है, एक पैर ये है, एक पैर ये है, एक पैर ये है, मतलब पैरामीटर इक्वल टू हो जाएगा इसका ए बी और प्लस में बी सी और प्लस में सी डी और प्लस में क्या हो जाएगा डी ए, है ना, सब तरफ से जोड़ रहा है। चलो करो यहाँ पर 4 + 4 + 4 + 4, कितना हो गया ये 16 हो गया, इतनी बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें भी क्या है, इसमें भी यही है, पैरीमीटर इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं एक चीज़ देख लूँ कि ये चीज़ 4 टाइम लिखा था, तो इसे मैं ये कर सकता था 4 × 4, ऐसे ये 3 4 टाइम लिखा है तो मैं इसे कर सकता हूँ 4 × 3, यानी कितना हो गया 12। ऐसे ही यहाँ पर अगर पैरीमीटर निकालना हो तो x कितनी टाइम लिखा है, 4 बार लिखा है ना, तो 4 × x मैं कर सकता हूँ, पैरीमीटर इक्वल टू 4x, इतनी बात समझ में आई। एक चीज़ और देखो इधर क्या है, ये 4 क्या है हमारा, यही है तो कॉन्स्टेंट, और x क्या है, यही है हमारा वेरिएबल, है ना, तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के बना। यहाँ पर भी देखो 12 और x कॉन्स्टेंट और वेरिएबल से, यहाँ पर भी यही है ना, तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना, यानी एक पॉलिनोमियल्स होने के लिए कंडीशन भी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स होने चाहिए, तभी पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर कहीं वेरिएबल नहीं लिखा है तो हम x की पावर 0 वहाँ पर सेट करके बैठा सकते हैं, इसका मतलब कोई नंबर है तो वो भी एक टाइप ऑफ क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ का पैरामीटर निकालने पे हमें क्या हो रहा है, एक वैल्यू निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर 4 और x हमारा आया, यहाँ पर 12 आया, यहाँ पर 16 आया, ठीक है। अगर मैं कहूँ देखो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, अरे क्यों है पॉलिनोमियल, 12 एक पॉलिनोमियल है, हैं 6 एक पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्यों, क्योंकि अगर देखो अगर मैं कहूँ 12 और x की पावर में मैं कहूँ 0 है, ठीक है, तो किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ रखा है अगर किसी की पावर 0 होती है इसका मतलब 1 होता है ना, इसलिए हम इसे डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं, और 12 को मैं एक पॉलिनोमियल कहूँगा, इसलिए कहते हैं, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो हम ये क्या एक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं ना, 12 है, 12 के बगैर अगर हम एक्स की पावर 0 लिख दें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेट हो गया, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और ये कॉन्स्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो होता है पॉलिनोमियल्स, है ना। तो देखो यहाँ से बात क्या निकल के आई कि हम किसी भी स्क्वायर को या किसी भी चीज़ के पैरामीटर, किसी भी तरीके के एक्सप्रेशंस जो हमें मिलता है वो एक पॉलिनोमियल्स होता है। अब इसके बेस पर मैं पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करूँगा 3 तरीके से, चलो आओ पढ़ते हैं उसे भी, ठीक है, आ जाओ लेट्स स्टार्ट। मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आना ही चाहिए, बोरियत के साथ नहीं पढ़ना है कि मैं बस पॉलिनोमियल ये होता, नहीं मज़े के साथ पढ़ो बिल्कुल चिल करके, ठीक है, आ जाओ। तो चलिए अब हम पॉलिनोमियल्स को उनके टाइप के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है,
पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, किस किस बेस पे हमें समझना है, पहला है वेरिएबल, दूसरा है टर्म, तीसरा है पावर ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या है, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल्स में हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग, कितने नंबर ऑफ टर्म है उसके अकॉर्डिंग, और कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डिंग। मतलब वेरिएबल्स एक पॉलिनोमियल्स दिया होगा, एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें उसकी पावर को देख के हम बताएंगे कि ये किस तरीके का जो है पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। चलो इसमें मैं फर्स्ट डिस्कस करता हूँ, ध्यान से समझना। इसमें है कि ऑन द देखिए इसमें मैं फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने चल रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। चलो ठीक है, इसे समझने के लिए क्या करो, हमें वेरिएबल्स के नंबर ऑफ वेरिएबल देख के हमें पहचानना है। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ कि मान लो यही लिखा है 4x है 7x प्लस 3, हाँ अगर लिखा है 7y स्क्वायर प्लस में 1, इस तरीके का लिखा है। तो देखिए एक चीज़ है नोटिस करना है कि हमारे वेरिएबल्स क्या है, सिंगल है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, लेकिन वेरिएबल तो है ही ना, एक वाई है, एक ही है। तो इस तरीके को हम बोलते हैं क्या, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कितनी बात क्लियर। अगर मैं करूँ कि यही कर दूं 4x प्लस 3y 7z प्लस में 2y है ना, अगर मैं इसमें करूं, अब देखो यहाँ पर एक x है एक y है, एक ही एक्सप्रेशन में दो दो क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं करूं यू स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है ना, और प्लस में 3 ऐसा कुछ लिखा हो, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 1, 2, 3 सारे अलग अलग हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये तीन तक है तो बस थ्री वेरिएबल, चार भी हो सकते हैं, पांच दिया होगा तो 5 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, लेकिन हमें यहाँ पर तीन तक ही जो है हमारे सिलेबस में है, मतलब तीन तक हमें पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पर तीन ही मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। चलो और एक और दिखाता हूँ जो कि क्या है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल। इसमें क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ कि p ऑफ x इक्वल टू x, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक तरीके का पॉलिनोमियल्स है ना। मैं कहूँ अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 5 मान रखूँ, तो मतलब देखो 5, तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल्स हुआ। लेकिन अगर आप, मैं पूछूँ आपसे 5 क्या है, तो आप कहोगे ये तो कॉन्स्टेंट वेरिएबल है ना। तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा लिखा है 5 और x की पावर 0 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया, एक कांस्टेंट वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वैसे तो कहोगे कि ये क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल पॉलिनोमियल्स भी तो है, क्योंकि मैंने ऐसा शो किया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यहाँ पर x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5। तो ये क्या होगा, एक तरीके से पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इसी तरीके से एक अगला होता है जो कि है क्या, 0 पॉलिनोमियल्स, 0 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर कहीं लिखा है 0 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक 0 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, कहीं अगर वेरिएबल्स की पावर में अगर 0 है, तो ये 0 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो एक बात देखो, सब कुछ मतलब नंबर है तो भी पॉलिनोमियल, एलजेब्रिक है तो भी पॉलिनोमियल, तो आखिर ऐसी कौन सी कंडीशंस आएंगी जो कि हमारा वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ना हो, है ना, सोचने वाली बात है। चलो मैं बताता हूँ ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी। अगर कहीं पर लिखा होगा x प्लस
वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। मैं कहूँ ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो लिखूँगा एक्स प्लस, ये वन अपॉन एक्स है तो मैं एक्स की पावर माइनस टू कर सकता हूँ, है ना, बताया था। इसको मैं डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज करूँगा तो एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा, और अगर कहीं पर भी पावर निगेटिव में है तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं करूँ रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री है तो मैं एक्स की पावर वन पॉइंट टू और प्लस थ्री कर सकता हूँ ना। एक्स की पावर, अगर किसी चीज़ की पावर रूट लगा है तो रूट का मतलब पावर उसकी वन पॉइंट टू होती है। तो यहाँ पर भी किसी भी चीज़ की अगर पावर वेरिएबल्स में हो गई, निगेटिव में हो गई, है ना, डेसिमल में हो गई, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। याद रखना है, कब कब पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, जब पावर एक फ्रैक्शन में दिया हो और जब पावर एक निगेटिव में दिया हो, ठीक है, और क्या होगा, डेसिमल में दिया हो। तो जब ऐसी ऐसी कंडीशंस आएंगी तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स होने के लिए एक कंडीशंस है, नेसेसरी है कि क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स होने के लिए होल नंबर होने चाहिए, ठीक है, होल नंबर के साथ में, पावर जब भी हो ना होल नंबर में हो, जैसे जैसे क्या, जीरो टू इन्फेनाइट ना, इस तरीके से अगर है तो वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा। समझ में आया, मतलब क्या होगा अगर इस तरीके से, तो वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल्स होगा। जीरो भी इंक्लूड है, इसके बाद सारे नंबर्स इन्फेनाइट तक सबके सब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। ये कंडीशंस हैं पॉलिनोमियल होने के लिए। इतनी बात समझ में आई, चलो आओ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो कि क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हमें टर्म्स के बेस पे क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल्स को स्टडी करना है। तो अगर मैं कहूँ पी ऑफ वाई, मान लो मैं कहता हूँ एक है वाई स्क्वायर और प्लस में, यहाँ प्लस है वाई क्यूब प्लस में टू वाई प्लस में हंड्रेड, मान लो ऐसा है, तो मैं क्या कहूँगा कि आओ यहाँ पर हमें टर्म पहले समझना है इसमें, है ना, पहले हमें टर्म समझना है। तो देखो, जब हम बात करेंगे टर्म की तो मैं कहूँगा टर्म इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो यहाँ पर देख लो, एक वाई स्क्वायर एक टर्म हो गया, वाई क्यूब एक टर्म हो गया, और टू वाई एक टर्म हो गया, और हंड्रेड, है ना। तो यहाँ पर टोटल टर्म कितने हो गए, फोर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टोटल टर्म कितने हो गए, फोर, है ना। यही देखो, जितने यहाँ पर जो कि इस प्लस या माइनस साइन से सेपरेट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्म। मतलब एक टर्म, ये दो तीन चार, कितने टर्म हो गए, फोर टर्म हो गए, इसे हम बोलते हैं टर्म। लेकिन हमें पॉलिनोमियल को समझना है विद द हेल्प ऑफ टर्म, तो हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ अगर मैं एक लेता हूँ कि फोर एक्स, है ना, सेवन जेड, मान लो ऐसा है, तो यहाँ पर देखो बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये दोनों मिलकर के एक डिजिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर मैं x की जगह 2 रख दूँ तो 4 टू जा 8, तो भी एक डिजिट का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं z की जगह 5 रख दूँ, 7 5 या 35, तो भी एक ही डिजिट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके के जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, मोनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो देखो, पॉलिनोमियल्स का एक ही टाइप है, मोनोमियल्स। देखो, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही टर्म की बात होती है, एक टर्म जब भी होगा ऐसे, ठीक है, जो कि प्लस और माइनस साइन से सेपरेट नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ 4x लिख देता तब भी ये क्या होता, मोनोमियल। मोनो का मतलब ही होता है वन, तो जब भी वन टर्म होगा तो मोनोमियल। अगर मैं यही कह देता, अगर यहाँ पर मैं 4x प्लस 3 लिख लूँ, है ना, ये हो गया, या 3y कर लूँ, तो यहाँ पर देखो कितने टर्म हो गए, वन टर्म टू टर्म। जब दो टर्म हो जाएंगे तो इसे हम बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल। ये सारी क्लासेस, सारे टॉपिक बिल्कुल डिटेल में मैंने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 का पढ़ा रखा है, उसमें आपको मिल जाएगा बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। थ्योरी पोर्शन पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ये देखो, 4x प्लस 3y, इसे मैं बोलता हूँ बाइनोमियल्स। मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब दो। ऐसे ही अगर मैं करूँ जेड स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में y, ये देखो प्लस में यहाँ पर 10 कर लो। अगर ऐसे तरीके से है तो ये क्या हो गया, हैं,
ऐसे ही अगर मैं करूं, ये देखो जेड का क्यू प्लस में एक्स प्लस में वाई, तो यहाँ पर कितने टर्म हैं, 1, 2, 3, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल है ना। जब सिंगल हो तो उसे मोनो, मोनो मतलब वन, बाई मतलब दो, ट्राई का मतलब जानते ही हो तीन। जब भी ऐसे ऐसे टर्म मिलते हैं सिंगल टर्म तो मोनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, सेकंड हो तो इसके बाइनोमियल्स टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, और तीन हो तो ट्राइनोमियल्स टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। समझ में आई? तो ये क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम कितने तरीके से पॉलिनोमियल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे भी और भी जाएंगे, 4 टर्म हो जाएंगे, 5 टर्म हो जाएंगे, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ते, हम उन्हें आगे जितने भी टर्म आ जाएंगे उसे सिर्फ एक नाम दे देंगे कि क्या है ये एक पॉलिनोमियल्स है। इतनी बात क्लियर, चलो आओ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए आइए हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं, जिस पे हमें क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल्स को उसकी पावर यानी उसके डिग्री बेस पे हमें क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा कि हमें ऑन द बेसिस ऑफ पावर या फिर डिग्री, ठीक है, होता क्या है, ये डिग्री कह रहे हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री। मतलब किसी एक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल माने किसी एक एक्सप्रेशन में उस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या होगी, वही होती है डिग्री। चलिए आइए एग्जांपल से देखता हूँ। अगर मैं यहाँ लेता हूँ पी ऑफ एक्स ना, देखो ये जो मैं लिखता हूँ पी ऑफ एक्स का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आने वाला जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा उसमें हर जगह हमें एक्स ही मिलेगा। ठीक है, चलो आओ मैं लिखता हूँ अगर यहाँ पर 3x² प्लस में 4, अगर मैंने ऐसा लिखा तो यहाँ पर अच्छा और भी लिख लो, मान लो 3x² प्लस में 4x प्लस में 2, मान लो ऐसा लिख लिया। ठीक है, चलो आओ इसकी हाईएस्ट पावर देखो क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या आ गया, 2, यानी डिग्री कितनी हो गई, 2। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 4y^8 प्लस में 6, मैं यहाँ कहूँगा इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री क्या होगी, 8 होगी, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, 8, मतलब हाईएस्ट पावर देखना है, 8 हो गई तो 8। अगर ये भी होता ना y^3 + 2 y + 3 तब भी क्या होता है, 8 होता है, क्योंकि हाईएस्ट क्या देखना है, पावर देखना है, जो हाईएस्ट पावर होगा ना वही इस पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन की क्या होगी, वो डिग्री होगी। समझ में आई इतनी बात, आ गई ना, आओ आगे देखते हैं। मैंने बताया डिग्री इसलिए क्या है, इसका मैंने डेफिनेशन लिखा है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री। समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है। समझ में आया, तो डिग्री बेस पे हम इसे क्या करेंगे, क्लासिफाइड कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। चलिए आइए मैं इसे बताऊंगा कि किस तरीके से हम डिग्री बेस पे अपने इस सब टर्म्स को समझ सकते हैं, मतलब लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रिक, इनको हमें क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर हम अपने पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। तो चलिए, लीनियर कब होगा, जब किसी भी चीज़ की पावर 1 होगी। ठीक है, मान लो यही दिया है, ठीक, मान लो यही दिया है, देखो सब में क्या है, क्या है, क्या है, पावर यानी कि हाईएस्ट पावर है ना, यानी कि डिग्री लिख लो, डिग्री, डिग्री क्या है, जब डिग्री हमारी 1 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और जब हमारी डिग्री मान लो यही लिखा है 4x^2 प्लस में 3, मान लो लिखा है 5x^2 है ना, ऐसा अगर लिखा है तो देखो यहाँ पर पावर 2 हो गया है ना, पावर 2 हो गया, यानी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, और जब डिग्री 2 हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसी तरीके से अगर पावर 3 हो गई 6x³ प्लस में 6 या फिर 7x³, अगर पावर 3 हो गई तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी डिग्री 3 हो गई, जब डिग्री 3 हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो बाई मतलब 2 होता है, क्वाड्रेटिक माने 2 होता है, तो क्वाड्रेटिक हमने पढ़ा है ऑलरेडी 2, तो 2 इसका और 2 इसका, यानी जब भी कहीं पावर 4 होगी, यानी ये तो 6 था, मान लो 7x^4 प्लस में 7 और 7
17x की पावर 4 मान लो इस तरीके से हो गया, तो मतलब पावर 4 हो गई। तो जब भी पावर 4 यानी डिग्री 4, और जब डिग्री 4 यानी जो हमारा ये एक्सप्रेशन है किस तरीके का है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स हो गया। इतनी बात समझ में आई, आ गई ना। और एक बात नोट में, दो चीज़ हमें ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल इज जीरो। किसी भी एक कांस्टेंट वेरिएबल, मैंने बताया था क्या होता है, तो किसी भी एक कांस्टेंट वेरिएबल की डिग्री हमेशा जीरो होती है, इस बात को याद रखना। और डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल, ये भी मैंने बताया था, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल, किसी भी जीरो पॉलीनोमियल्स की डिग्री हमेशा इन्फिनिटी होती है, इस दो बात को ध्यान में रखना है। समझ में आ गया। और इन सबको तो हमें समझ में आ गया, लीनियर का क्या होगा, पावर 1 होगा, क्वाड्रिक का 2 होगा, क्यूबिक का 3 होगा, बाई क्वाड्रिक का 4 होगा, लेकिन कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स का 0 होगा, जीरो पॉलीनोमियल्स का इन्फिनिटिव होगा। इतनी बात क्लियर। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसी के आगे छोटा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ा है, देख डालते हैं। तो आइए, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बचा है, इसे भी समझ डालते हैं, और यहीं पर आज मैं इसे फिनिश कर दूंगा। इसके बाद हम आने वाली वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए थोड़ा सा और देख डालते हैं। आओ, अरे आ भी जाइए, छोटा सा बचा है, बस आओ। देखो इसमें क्या है, कोफिशियंट ऑफ पॉलीनोमियल्स। मैं कहूँगा कि पॉलीनोमियल्स तो हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत कुछ इसके बारे में जान गए हैं, लेकिन अब मैं बात करूँगा कोफिशियंट। कोफिशियंट का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू, है ना, न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब होता है डिजिट्स, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ, मैंने इसके पहले बताया था पॉलीनोमियल इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, लेकिन जब मैं बात करूँगा कोफिशियंट पता करने की ना, तो मैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल करूँगा, मतलब वेरिएबल्स के साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, कोफिशियंट होगा। वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी वही हमारा कोफिशियंट होगा। चलो आओ देखो, यहाँ पर देखो x का क्यूब है ना, इसका कोफिशियंट क्या होगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई में है, तो यानी x का क्यूब का कोफिशियंट क्या होगा, 1 होगा। समझ में आई बात। ये देखो 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, 2 होगा, यही ना। वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है, कुछ नहीं है बीच में, डॉट है, डॉट है तो मल्टीप्लाई है, तो वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में वही क्या होता है, कोफिशियंट। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, x का कोफिशियंट क्या होगा, -3, साइन के साथ आएगा कोफिशियंट, ठीक है। समझ में आया। बस इसी पे आज मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। क्लास ख़त्म होने के बाद बनाई हुई नोट्स को 15 मिनट और रिवीजन कर लेना, बिल्कुल मस्त तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्या, अपना पसंदीदा एक्सरसाइज, क्योंकि वहाँ से हमारी इन सारी थ्योरी पोर्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल निचोड़ के हमारे दिमाग में आ जाता है, इतनी बात सबको पता है। तो जब एक्सरसाइज करवाऊँगा, यानी आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करवाऊँगा। पहली बात, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पॉलीनोमियल्स पढ़ा, क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। टाइप पढ़ लिया, कितने टाइप से हम पॉलीनोमियल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं, उन टाइप के भी हमने कुछ रूल्स पढ़े, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाँ बहुत सही बोल रहे हैं आप लोग, क्या करेंगे, हम इसे रिवीजन करेंगे, ठीक है, रिवीजन कर लेना। चलो इसी के साथ बाय बाय, टाटा बाय बाय, सीजू, अपना ध्यान रखना, और हाँ लाइक करो, शेयर करो और अपडेट रहो।